गाइज, हम कभी कभी हमारी बातों को जोर देते हुए इस प्रकार के सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि ये वही मोबाइल है जो मैंने 3 साल पहले खरीदा था। यही ये सवाल है जो उसने कल पूछा था। यही वो बाइक है जो मैं खरीदना चाहती हूँ। सो गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में लिखने के लिए आपको फ्रेज यूज़ करना पड़ेगा दिस इज़ द वेरी, दिस इज़ द वेरी। चलिए इसको यूज करने के कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा दिस इज़ द वेरी, इसके बाद नाउन यानी जो चीज़ के बारे में आप बताना चाहते हैं या फिर जो प्लेस हो, पर्सन हो, जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं उसको लिख देनी है। इसके बाद आपको यूज़ कर देनी है वेयर, विश या फिर हु। वेयर आप प्लेस के लिए यूज़ करेंगे, कोई चीज़ के लिए आप विच का यूज़ करेंगे और पर्सन के लिए हु। इसके बाद आपको यूज़ कर देनी है अदर वर्ड्स। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। ये वही मोबाइल है जो मैंने 3 साल पहले खरीदा था। दिस इज द वेरी मोबाइल विच आई बॉट 3 years ago। दिस इज द वेरी मोबाइल विच आई बॉट 3 years ago। यही वो बाइक है जो मैं खरीदना चाहती हूँ। दिस इज द वेरी बाइक विच आई वॉन्ट टू परचेस। दिस इज द वेरी बाइक विच आई वॉन्ट टू परचेस। ये वही हॉस्पिटल है जहाँ मेरी बहन पैदा हुई थी। दिस इज द वेरी हॉस्पिटल वेयर माई सिस्टर वॉज बॉर्न। दिस इज द वेरी हॉस्पिटल वेयर माई सिस्टर वॉज बॉर्न। यही वो सवाल है जो उसने कल पूछा था। दिस इज द वेरी क्वेश्चन विच सी आस्क्ड यस्टरडे। दिस इज द वेरी क्वेश्चन विच सी आस्क्ड यस्टरडे।